आपको हमने पढ़ाया था पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार, और आज सेकंड क्लास क्लास 9th और 10th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 5 पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसी के अंतर्गत कल हमने पढ़ाया पार्ट ऑफ सेंटेंस। और पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत हमने आपको क्या क्या बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी कुछ अलग भाग है और प्रेडिकेट के भी कुछ अलग भाग है। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सेकंड क्लास में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के प्रकार, कर्ता के प्रकार, यानी कर्ता कितने प्रकार के बारे में सेंटेंस में आता है। सबसे पहले बेटा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत क्वालिफायर, इसको हम क्वालिफायर पढ़ते हैं, क्वालिफायर, और क्वालिफायर को हम इलाजमेंट भी कहते हैं, क्वालिफायर को हम इलाजमेंट भी कहते हैं। और बेटा क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर का मतलब किसी भी सेंटेंस को इंक्रीज करना होता है, और इंक्रीज क्या होता है, वृद्धि करना, यानी वाक्यों को बढ़ाने का काम करता है हमारा क्वालिफायर, जिसको हम इनलार्जमेंट भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा इसी में आता है मेन वर्ड, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, मेन शब्द कहते हैं, और हेड वर्ड मुख्य शब्द, मेन वर्ब कहो या हेड वर्ड दोनों एक ही है, दोनों का मतलब मुख्य शब्द होता है। इसी प्रकार क्वालिफायर यानी इनलार्जमेंट के अंतर्गत डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर होता है निर्धारण, जो वाक्यों को क्या करता है, निर्धारित करता है कि किस टाइप के वाक्य हैं, कैसे बनेंगे, ये डिटरमिनर हमारा वाक्य को निर्धारण करने का काम करता है। इसी प्रकार एडजेक्टिव, जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बताता है, जिसको हम विशेषण कहते हैं। और तीसरा क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, जो क्या करता है, जो वाक्य विशेषता बताता है उसकी जो विशेषता बताता है, यानी विशेषण की जो विशेषता बताता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये इतना आपको पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में इतना आता है। दूसरा देख लीजिए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको समझ गए होंगे, और अब देखेंगे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट दूसरा आता है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अभी तक हमने आपको बताया पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में, और अब आपको बेटा जानना है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है, वर्ब आता है, और उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अब देखिए कि क्या होता है वर्ब, इन वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, क्रिया है, यानी मान लीजिए हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सब्जेक्ट को हम जब बाहर निकालेंगे तो उसके बाद जो प्रेडिकेट का भाग बचेगा, प्रेडिकेट का, वो सबसे पहले उसमें वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और मेन वर्ब भी आ सकता है, वो तो सेंटेंस के ऊपर निर्धारित करता है कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, कैसा और कहाँ पे मेन वर्ब आएगा। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, कर्म होता है, यानी जो काम किया जाता है वो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट आएगा। और फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कम्प्लीट शब्द से मिलकर बना कॉम्प्लीमेंट शब्द है, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं, यानी जो वाक्य पूरा करेगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अब इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपको दो वो पढ़ने हैं, दो कर्म और पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, यानी ऑब्जेक्ट के दो कर्म हैं, एक तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, जो अप्रत्यक्ष कर्म होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। और आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या होता है इनडायरेक्ट और क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये प्रेडिकेट के भाग है, और आज के लिए इतना काफी है, और आज आप इसी को लर्न करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं।